सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सैमसंग ने साउथ कोरिया में अपना एक नया स्मार्टफोन को लॉन्च किया है और ये स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी ए क्वांटम। सैमसंग गैलेक्सी ए क्वांटम बेसिकली रीब्रांडेड वर्सन है सैमसंग गैलेक्सी A71 5G का। तो सैमसंग ने साउथ कोरिया में SK टेलीकॉम के साथ पार्टनरशिप किया है और यहाँ पर एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो कि है सैमसंग गैलेक्सी क्वांटम। सैमसंग गैलेक्सी ए क्वांटम में जो आप लोगों को स्पेस मिलता है सेम वही स्पेस आप लोगों को सैमसंग के A71 5G में देखने को मिलता है। सब कुछ सेम है, कैमरा सेटअप, डिस्प्ले, चिपसेट भी सेम है जो कि आप लोगों को है एक्जोनस का 980। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 980 के साथ क्वांटम का चिपसेट मिलता है यानी कि RNG। तो ये जो बेसिकली क्वांटम चिपसेट है और क्वांटम का यहाँ पर जो सपोर्ट आप लोगों को इस स्मार्टफोन में मिलता है इससे जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी हाई यहाँ पर हो जाता है। RNG का मतलब है रैंडम नंबर जनरेटर और इससे ये काम करता है कि आपका स्मार्टफोन में एक ऐसा नंबर जनरेट करता है जो कि अनप्रिडिक्टेबल रहता है और आपके स्मार्टफोन को कोई जल्द यहाँ पर हैक नहीं कर पाएगा। तो यही है कि कोई आपके स्मार्टफोन को अगर कभी ट्राई भी करता है हैक करने का और कोई पकड़ लीजिए आपके स्मार्टफोन में ट्राई करता है कि चलिए हम इसको हैक करते हैं तो वो ऐसा नंबर यहाँ पर जनरेट करेगा जिससे वो लोग उसका पता ही नहीं लगा पाएंगे। और ये काफ़ी हाई सिक्योरिटी है जो आपको सैमसंग के स्मार्टफोन में दिया जा रहा है। तो सैमसंग गैलेक्सी ए क्वांटम इसका नाम रखा गया है और ये RNG है, क्वांटम RNG यानी कि रैंडम नंबर जनरेटर। और ये नंबर ऐसा रहता है कि कोई भी इसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। तो काफ़ी हाई लेवल का सिक्योरिटी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी बेनिफिट होगा और सैमसंग का सिक्योरिटी अभी काफ़ी हाई लेवल में चल रहा है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम सैमसंग ने किया है। लेकिन ये स्मार्टफोन सिर्फ साउथ कोरिया में ही मिल रहा है, अब ये ग्लोबल मार्केट में आता है या फिर नहीं आता इसके बारे में कोई भी डिटेल हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप लोग साउथ कोरिया में रहते हैं तो इस स्मार्टफोन का प्राइसिंग लगभग $530 है यानी कि ऑलमोस्ट 40 या फिर 42,000 के आसपास। तो हाँ, इतना प्राइसिंग आप लोगों को इस स्मार्टफोन के लिए पे करना पड़ेगा। हालांकि जो स्पेस है वो सेम है जो आप लोगों को सैमसंग के A71 5G में मिलता है, एक्जिनोस का 980 चिपसेट, बैक साइड में क्वाड कैमरा, इन्फिनिटी और डिस्प्ले, तो सभी कुछ यहाँ पर सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। लेकिन आप लोगों को ASUS के साथ यहाँ पर क्वांटम का भी सपोर्ट मिल रहा है जिसके कारण आपका जो फ़ोन का सिक्योरिटी है वो काफ़ी यहाँ पर हाई हो जाता है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर किया है। और बताया जा रहा है कि 2021 में जो सैमसंग के फ्लेक्सिव स्मार्टफोन आएंगे यानी कि सैमसंग का S21 सीरीज, वहाँ पर आप लोगों को ये चिपसेट देखने को मिलेगा यानी कि क्वांटम SoC का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा जिससे जो सिक्योरिटी होगा वो काफ़ी हाई लेवल का यहाँ पर होने वाला है। तो आजकल आप लोगों को पता है कि जो यहाँ पर हैक होते हैं, जिसका डेटा लीक होता है, ये सब तो आम बातें हो गई। इसके कारण ये जो डेटा लीक और ये सब काफ़ी रुक जाएगा और मेरे ख्याल से ये काफ़ी एक अच्छा कदम यहाँ पर सैमसंग ने उठाया है। अभी तो ये सिर्फ साउथ कोरिया में मिल रहा है और इसकी जो सेल है वो आज से प्री बुक स्टार्ट होगा और 22 में से इसे आप लोग बाय कर पाइएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि 2021 में आपको सैमसंग के ऑलमोस्ट हर एक स्मार्टफोन में ये क्वांटम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं सैमसंग के इस नए चीज़ के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक